जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे दो दो एग्जाम निरस्त हुई और नेशनल एजेंसियों के अंतर्गत हुई, देश के प्रधानमंत्री की रिस्पांसिबिलिटी थी, उसमें अलग से एक शब्द क्यों नहीं बोले। 50 साल पहले की बात करते करते प्रधानमंत्री 303 से 264 पे आए हैं। अगर भविष्य की बात करेंगे जो इसकी जिम्मेवारी है उनकी, उनको सुधार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर जोशी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, क्या कारण है? जिनके रहते हुए बार बार पेपर लीक होते हैं, जिनके रहते हुए जहां जाते हैं वहां पर घपले और घोटाले होते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो चेयरमैन थे तब भी हुए थे, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के थे तब भी हुए थे, यूपीएससी के जब चेयरमैन रहे उस दौरान जितनी भी आईएएस और आईपीएस की एग्जाम उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक मिनट भी उस व्यक्ति को उस पद पर नहीं रखना चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी एक शब्द क्यों नहीं बोलते? ये है काला दिवस। गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश। बार बार जो एबीयूपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पर बिठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये एबीयूपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, यानी बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकार में करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्म चिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले, वैसे तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं तो फिर कार्रवाई करने लगे। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहां तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश में मिले। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में परीक्षाओं में हो रहे गड़बड़ी से बड़ा कोई काला दिवस नहीं हो सकता है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए इमरजेंसी के समय की घटनाएं बताई थी। पटवारी ने कहा कि इमरजेंसी को लेकर जो बार बार बात कर रहे हैं, इस समय बच्चों का पेपर कैंसिल होना और पेपर लीक होना सबसे बड़ा काला दिवस चल रहा है। इतनी परीक्षाएं कैंसिल होने से बड़ा काला दिवस और क्या हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री की रिस्पांसिबिलिटी है। 50 साल पुरानी बात करने से पहले प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को देखें। देश भर में भ्रष्टाचार चल रहा है। डॉक्टर जोशी का इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? क्या कारण है उनके रहते हुए बार बार पेपर लीक होते हैं? जहां भी जाते हैं वहां पेपर लीक होते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष से तब भी हुए, छत्तीसगढ़ के थे तब भी हुए थे। ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी पद पर रहने क्यों दिया जा रहा है? इस पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? पटवारी ने आगे कहा कि बार बार एबीपी और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं को पदों में बैठाया जा रहा है, ठेके दिए जा रहे हैं, वहीं ऐसी घटनाएं क्यों होती है? बीजेपी के और एबीपी के लोग क्राइम कर रहे हैं। एबीपी का कार्यकर्ता यदि किसी पद पर बैठ गया और पेपर लीक करता है तो यह देश के साथ बड़ा कुठारघात करता है। मध्य प्रदेश में जहां जहां इन लोगों को पदों में बैठाया गया है उन विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। मोदी में थोड़ा भी ईमानदारी है तो जिस प्रकार से वह बच्चों से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों का परीक्षा के दौरान बोलते हैं मनोबल गिरने मत देना, परीक्षाओं के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हीं बच्चों के इस तरह से पेपर लीक होते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री बनने के पहले कहा कि कोई पेपर नहीं लीक हुआ और मंत्री बनने के बाद ही कार्रवाई क्यों किया? अभी भी डॉक्टर जोशी पद पर बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया?
सारे अपराध किस तरह की मध्य प्रदेश हो रहे हैं। जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा।